नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात द क्वींस गैम्बिट की। ये ड्रामा सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आई है और इसके डायरेक्टर है स्कॉट फ्रैंक। दोस्तों, ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है और ये एक नावल पर आधारित है। इसी नाम का एक नावल है जिसके लेखक है वाल्टर टेविस। दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी लाइन पे चर्चा करते हैं, फिर क्या अच्छा बुरा है उसके बारे में बात करेंगे। यहां कहानी है बेथ हार्मन की। बेथ हार्मन बनी हुई है आन्या टेलर जॉय। तो दोस्तों, बेथ जब बहुत छोटी रहती है तो एक एक्सीडेंट में उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है, वो अनाथालय पहुंच जाती है। यहां वो बहुत गुमसुम रहती है, किसी से इतनी मिलती जुलती नहीं, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। एक दिन वो एक सफाई कर्मचारी से मिलती है जो कि चेस खेल रहे होते हैं, तो फिर बेथ का भी इंटरेस्ट चेस की तरफ होता है। वो उनके साथ चेस खेलने भी लगती हैं, सीखने लगती हैं और फिर उनको हरा देती है। उनके जितने दोस्त हैं उनको हरा देती है, जो कि लोकल लेवल पे बहुत सारे प्लेयर हैं उनको वो हरा देती हैं। लेकिन इस बीच होता यह है कि बेथ को अडॉप्ट कर लिया जाता है, एक फैमिली उनको अपने साथ ले जाती है। अब नई फैमिली में जाकर भी बेथ का जो इंटरेस्ट है चेस के प्रति वो बना रहता है, वो सीखती रहती हैं और फिर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। दोस्तों, यहाँ कहानी बेथ की है और पहले ही एपिसोड में जब आप देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि गुमसुम है, खोई खोई उदास है और अपने चेस के जुनून के प्रति वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो बेथ के साथ आप इमोशनली अटैचमेंट महसूस करते हैं और आगे भी बेथ के साथ ये अटैचमेंट आपका बना रहता है। दोस्तों, यहाँ देखिए कि बेथ के साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी इस सीरीज में रखे गए हैं और वो सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किए गए हैं। कहानी एक अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश की गई है और जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं या बेथ का जो एक कैरियर का ग्राफ आगे बढ़ रहा है वो देखना आपको काफी ही इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए दोस्तों, यहां कहानी का जो सेंट्रल थीम है वो चेस है, लेकिन यदि आप चेस जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस कहानी को देखने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। अगर आप चेस जानते हैं और उसके कुछ टर्म्स को आप समझते हैं, जैसे सिसिलियन डिफेंस या दूसरे टर्म्स बहुत यूज होते हैं यहाँ, तो फिर आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, देखिए कि यहाँ आपको कई सारे मैचेस भी देखने को मिलेंगे और जो एक बेथ का ग्राफ है सक्सेस का वो आपको देखने में अच्छा लगता है और ये जो मैचेस आते हैं इसके बीच कई इंटेंस मोमेंट भी आते हैं जो आपकी उत्सुकता को बनाए रखते हैं। हालांकि जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे यहाँ चेस प्लेयर्स हैं और क्या सारे लोग चेस खेलना ही जानते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी है बेथ की, चेस की और उसके दोस्तों की, तो ठीक है चेस प्लेयर हमें अगर ज़्यादा दिखते हैं तो वो चलता है। दोस्तों देखिए, बेथ के सक्सेस के साथ, उसके गेम के साथ, उसका निजी जीवन भी एक है जो जिसकी भी कहानी हमें इस सीरीज में दिखती है, जो उसके इमोशंस हैं या जो उसकी उलझने हैं, उसके जो निजी जीवन में दिक्कतें हैं उसको भी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। और दोस्तों, बेथ की गोद लेने वाली जो माँ है या उनके जो सौतेले पिता बने हुए हैं या दूसरे भी जो अन्य किरदार हैं, ये भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और इनको देखना भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन इस सीरीज को देखते हुए कहीं कहीं ये बोरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खींची हुई सी जरूर लगती है। दोस्तों देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो ये जो आन्या टेलर जॉय है ये बहुत ही शानदार अदाकारी इन्होंने की है, बहुत ही अच्छा लगता है इनको देख करके। जो छोटी बेथ बनी हुई है इस्ला जॉनसन, ये तो बहुत ही प्यारी लगी हैं। और इसके अलावा जो दूसरे कलाकार हैं जैसे मैरली हेयर है, थॉमस ब्रेडी सैंगस्टर है, मूजे इनग्राम है, इन सब ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। प्रोडक्शन वैल्यू इस सीरीज की बहुत ही हाई है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही शानदार है, आपको चेस के मूव जितने समझ में आते हैं खिलाड़ियों के मूड को भी उतने अच्छे ढंग से यहां कैप्चर किया गया है। बहुत सारे दृश्य हैं जो कि बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। 1960 के दशक की यह कहानी है और उस हिसाब से जो चीजें हो सकती थी उसको भी यहां अच्छे ढंग से रखा गया है। प्रोडक्शन डिजाइन की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी और जो दूसरी चीजें होती है, चाहे आप मेकअप को देख लीजिए या कपड़ों को देख लीजिए, वो सब बेहद ही खूबसूरत है और अच्छे ढंग से रखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक ठाक है। दोस्तों यहां 7 एपिसोड हैं, एपिसोड लंबे हैं, 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे से कुछ ज्यादा तक के, और जिस तरह से ये कहानी एक बच्ची के और एक बच्ची के युवा होने की थी, तो मुझे लगता नहीं था कि यहां किसी न्यूडिटी या सेक्स सीन की जरूरत थी, लेकिन एक दो जगह यहां है जरूर।
तो दोस्तों ये जो सीरीज है ये एक शह मात का ऐसा खेल है जिसमें मात किसी की नहीं होती। बनाने वालों ने अच्छा बनाया और देखने वालों को भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस सीरीज के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 4 की। दोस्तों द क्वींस गैम्बिट के बारे में आज इतनी ही चर्चा। आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी जरूर ही करिएगा। धन्यवाद।